भिवंडी मनपा वार्ड नंबर 17 पद्मनगर पद्मजा श्रीमल्ला हॉल में राजोचाल धर्माचाल के स्थानीय महिलाओं के संयुक्त विद्यमान श्री मार्कंडेय मित्र मंडल द्वारा हल्दी कुंकू कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हल्दी कुंकू कार्यक्रम में बड़े पैमाने में महिलाएं शामिल हुए हैं। महिलाओं के हल्दी कुंकू कार्यक्रम में के लिए विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर वार्ड नंबर 17 के नगर सेवक व भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, माजी नगर सेविका शशिलता शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी सेल व जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष मोहन कोंडा, समाज सेविका रजिता मोहन कोंडा आए हैं। श्री मार्कंडेय मित्र मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने माजी नगर सेविका शशिलता संतोष शेट्टी, समाज सेविका रजिता मोहन कोंडा जी को हल्दी कुंकू से सम्मानित किए हैं। राजूचाल धर्माचाल के महिलाओं को हल्दी कुंकू व सम्मानित तोहफे आए हुए अतिथियों के हाथों से दिलवाए हैं। इस हल्दी कुंकू कार्यक्रम के लिए विशेष मेहनत लिए लिंगम गुंडेट्टी, राजेंद्र चिट्याल, रामचंद्र ताटी, देवदास वडेपल्ली, राकेश मंडल व आदि लोगों ने सभी महिलाओं को श्री मार्कंडेय मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने भोजन का भी व्यवस्था किए है। यहाँ पे मेरे सब सुंदर सुंदर महिलाएं बैठे हैं सच सच के, सबका साड़ी, सबका जेवर, सब बहुत हल्दी कुमकुम बोलेगा ना तो सब सच सच के आते हैं। तो मैं वरल देवी माता को यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सबका हमेशा हल्दी कुमकुम माथे पे सजा रहे और हमारे पतियों को हमारे भी उम्र लग जाए। मार्कंडेय के हल्दी कुमकुम को मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं हमेशा आती हूँ आपके बुलाने पे। पिछले एक या दो साल से शायद कोविड के वजह से हम लोग नहीं मना पाए, तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि आप सबको हल्दी कुमकुम का शुभकामनाएं। आज हल्दी कुमकुम कार्यक्रम है जिसमें उपस्थित मोहन कोंडा, हमारे दक्षिण के अध्यक्ष शशिला शेट्टी, मिसेस कोंडा और एक्चुअली ये लेडीज लोग कार्यक्रम में हमको जबरदस्ती सब बोलते आने का ही बोलते और हमको आना पड़ता है क्योंकि इतने रिक्वेस्ट से बुलाते। आज हल्दी कुंकू एक ऐसा त्यौहार है महाराष्ट्र में, हल्दी कुंकू को अपने पति के लिए अच्छा जिए, अच्छा आगे उनका अच्छा सब कुछ अच्छा हो इसके लिए पूजा रखते। आज मैं देखता हूँ पूरे भिवंडी में बहुत जगह जहाँ जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला बचत गट है सब जगह चालू है। हर बार रामचंद्र, देवदास, लिंगमन्ना ये सब मिलके हर साल धर्माचाल और राजूचाल के लोग मिलके हल्दी करते हैं। ये साल भी हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, खाली वराल देवी माता से इतना ही बोलूँगा कि वराल देवी माता जितने भी मेरे अक्का बहन अम्मा बेटी है वो सबका मनोकामना पूरी कर जो उनके मन में रहता है। किसी के मन में रहता है क्या मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसका अच्छा लड़का मिलना चाहिए, उसको शादी होना चाहिए, वो उनका पूरा हो। किसी को अच्छा लगता है मेरी बच्चे भी दसवीं में, वो अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, उनका सबका इच्छा पूरा हो। और किसी को कुछ बीमारी रहेगी वो भगवान उसकी बीमारी सबसे दूर उसको भगा दे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ बचतगढ़ कितने लोग का बचतगढ़ है, हाथ भर करो। बचतगढ़ किसके पास है क्या बचतगढ़, कितने बचतगढ़ है कि अभी महिला आए तो मैं एक बोलता हूँ कि बचतगढ़ के माध्यम से मोदी जी ने बहुत से स्कीम निकाला है, श्रम कार्ड के माध्यम से 2-2 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, ऐसे इतने स्कीम है मोदी जी ने निकाला है वो सबको फायदा होना चाहिए। मैं देवदास, राकेश, लिंगमन्ना इन सबको कहूँगा कि जितने भी स्कीम है राजेंद्र को
ये स्कीम सब गरीबों को तक जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अपने लोग के लिए बहुत कुछ लाया है, वो हर घर पे जाना चाहिए। और फिर से यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, इसलिए मैं राजेंद्र प्रधानमंत्री, देवदत्त अन्ना, रामचंद्र, लिंगम अन्ना, मिसेस लिंगम अन्ना, लिंगम अक्का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा लग रहा है, और ये पिछले 2 साल कोविड की वजह से नहीं किया गया है। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हमारे राजू ताल धर्माधर और मार्कंडेय मित्र मंडल, इनके ओर से हमारे राकेश जी और हमारे रामचंद्र जी बहुत मेहनत करते हैं। और राजू ताल धर्माधर एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी है, पहले से मैं इनको देखता हूँ, ये अन्ना के ऑफिस में आते हैं, बहुत ही अच्छा काम करा के एक झूठ रहते हैं। जैसे आप अभी देखा है, आज कम से कम 300 से 400 लेडीज एक घर से बाहर निकली है। और मैं ओरल देवी माता से ही प्रार्थना करता हूँ, ये प्रोग्राम ऐसे ही बना रहे। हल्दी कुमकुम एक आस्था का प्रोग्राम है जो अपने पति के लिए शुभकामनाएं करती है। मैं हमारे भारतीय दक्षिण आघाड़ी की ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही कुशल रहे। और एक बार फिर से राजू ताल धर्माधर, हमारे पिद्धमंत्री लिंगम जी, राजेंद्र जी और राकेश जी और हमारे रामचंद्र जी और मार्कंडेय मित्र मंडल को तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये यहाँ पे मुझे बुलाकर यहाँ जो सम्मान दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।